एक नाथ खान ने अपनी मुझे बात बताई, मैं बयान खत्म कर रहा हूं। क्या लगा, मैं चला गया एक महफिल में, वहां एक पीर साहब बैठे हुए थे। मैंने शेर पढ़े, दो चार इशारे पीर साहब की तरफ किए, पीर साहब का हाथ गया जेब में, दबा के जबरदस्त बहुत कमाया मैं। फिर कहने लगा कि वो मैं हज पर जाना था, मुझे पीर साहब ने भी हज पे जाना था। मैंने सोचा चलो साथ ही चले जाएंगे, लेकिन वो जा नहीं सके, पीर साहब रुक गए। तो मैं चला गया हज पर, वापस आया उसी जगह नाथ खानी हुई। मैंने कहा चलो आज भी पीर साहब होंगे, थोड़े दो चार इशारे होंगे तो अच्छा मिल जाएगा। लेकिन मैं वहां पहुंचा तो पीर साहब थे ही नहीं। अच्छा जी जी, कोई बात नहीं, तो वो पीर साहब थे ही नहीं। कहने लगे यार मैंने सोचा, अब मुझे बता रहे थे, कहने लगे मैंने सोचा कि अब पीर साहब होते तो बड़ा मसला, बड़ा मजा आ जाता, कमाई अच्छी हो जाती। कहने लगे एकदम मेरे जहन में आइडिया आया, मैंने उनके एक मुरीद खड़ा था उससे कहा कि पीर साहब को मुबारकबाद दीजिएगा, माशाल्लाह हमने साथ ही तवाफ किया था और सरकार के रोजे पे साथ ही हाजिरी हुई थी। मुरीद की आंखें एकदम फटी कि यार पीर साहब तो गए नहीं, ये कैसे? वो भागा, उसने जाकर कहा पीर साहब वो तो ऐसा नाथ खान ऐसा कह रहा है, आपको मदीने में देखा, मक्के में देखा। वो पीर साहब ने छलांग लगाई, छत तक गए एकदम, वो बसें तैयार करो, पांच छह बसें ले आए ना, आके बैठे हो। उसने कहा इतना मुझे पैसा दिया कुछ हद नहीं। फिर आखिर में जब मैं चलने लगा तो पीर साहब करीब आए और आगे कहने लगे आखिर तुमने फकीर का राज फाश कर ही दिया ना। भाई नाथ खानो तुमसे हाथ जोड़ के माजरत, हर एक नाथ खान ऐसा नहीं होता, लेकिन तुम में बहुत सारे ऐसे भी होते। तो खुलासे कलाम ये है कि बस अल्लाह ना करे, ना मैं नाथ खानी का मुखालिफ हूं, सुन्नी हूं अल्लाह के करम में, हमारे रगों के अंदर नाथ खानी। हम नसर के अंदर सरकार की नात बयान करते और अच्छा खुश ऐलान नाथ खान हो, बामल हो, मैं सुनता हूँ, मुझे बड़ा जौक हासिल होता है अल्लाह के करम में, बड़े जौक से मैं सुनता हूँ। लेकिन जो अब बिगाड़ पैदा हुआ है, इस बिगाड़ की निशानदेही अगर मैं नहीं करूंगा तो ये जो आयत है ना सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, ये मेरी तरफ भी मुतवज्जो होगी। अल्लाह ताला मुझसे अगर फरमाएगा तुम्हें इज्जत दी थी, तुम्हारे बहुत से लोग तुम्हारी बातें सुनने और मानने के लिए तैयार थे, किस चीज ने तुम्हारी जबान को रोका? पैसों ने, इनकी जबान से निकलने वाले तारीफी अल्फाज ने, या तुमने अपने इस शख्सियत को तनकीद से महफूज रखने के लिए कि मुझे कोई बुरा ना कहे? क्योंकि हमारे बाज इसीलिए कुछ नहीं कहते, यार हम क्यों बुरा बने? भाई बुरा बनना पड़ता है। हर नबी दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि कौम हमें क्या कहेगी, उन्होंने उस बात की परवाह की कि अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना है और कैसे पहुंचाना है। इसलिए मैं अपने बच्चों से भी गुजारिश करता हूं भी बस आखिर में कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम आपकी तरफ भी मुतवज्जे है, होशियार रहिए। अगर आपने ये जो आलिम होने की नेमत है, इल्म की नेमत है, इज्जत की नेमत है, अगर आपने इसका सही हक अदा नहीं किया तो हो सकता है मैदान माशर में अल्लाह ताला हमें खड़ा करे और हमसे